आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है, मैं तो कहता हूं कि आज तक जितने कार्यक्रम हो गए उसमें एक अद्वितीय यूनिक कार्यक्रम है। इस समय आज जो हमारे प्रमुख अतिथि है शफी जी, उन्होंने जीवन के हर अंग का पहलू बताया है। विद्यार्थी दशा से लेकर जीवन के अंतिम सत्य तक हम कैसे पहुंचे, जीवन इतना आसान नहीं है, जीवन भगवान की देन है, लेकिन उसे कैसे इस्तेमाल करना ये हमारे हाथ में है। ये मनुष्य के प्रयत्न से ही जीवन बदला जाता है। इसलिए विद्यार्थी दशा में हमें क्या करना चाहिए, कैसे स्पर्धा रखनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए, हर एक पॉइंट सोचने के लिए बहुत ही उपयोगी है और जिससे निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि मनुष्य का विकास होता है। मुझे एक बात याद आती है कि नेपोलियन बोनापार्ट लाइब्रेरी में गए थे और एक किताब निकाल रहे थे, तो लाइब्रेरी का किताब ऊंचाई में था तो उनका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था, तो उन्होंने जरा ऊंचाई में थोड़ी छलांग लगाई, किताब नहीं आया, तो एक लंबे व्यक्ति आए, बोले मैं आपको मदद करूं क्योंकि मैं आपसे ऊंचा हूं। जैसे ही ऊंचा शब्द का प्रयोग किया इन्होंने किया नेपोलियन बोनापार्ट, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा आप मुझसे लंबे हैं ऊंचे नहीं। ये जीवन में तत्व रखना चाहिए कि हम हर में इतनी ताकत होती है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। अपने आप को इतना समर्थ करो, इतना सामर्थ्य आप हर किसी में है, लेकिन आप सोचते नहीं, आप अपने अंदर देखते नहीं, इतनी ताकत मनुष्य में भगवान ने भरी है। आप स्वयं को देखो और जागृत हो जाओ, अपने विवेक बुद्धि को जागृत करो। आज जितने जितने पॉइंट बताए हैं उसको अपने जीवन में अपना लो। मैं भाग्य से कहता हूं कि जिनका नाम उन्होंने लिया, हमारे मेरे डायरेक्टर थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, DRDO में साइंटिस्ट थे, तो कुछ समय उनके साथ काम करने का मुझे भाग्य मिला है। तो उनके जीवन में एक कहानी है, कोई एक महान व्यक्ति आ गई और सभी उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ने लगे, लेकिन अब्दुल कलाम जी ने मन में निश्चय किया दूसरों के ऑटोग्राफ लेने से हमारा भाग्य थोड़ी बदलेगा, मैं अपने सिग्नेचर को ऑटोग्राफ बना दूंगा, मैं अपने सिग्नेचर को ऑटोग्राफ बना दूंगा। और उनकी इसमें लिखा हुआ है When your signature becomes autograph, that is success. Success वो है कि हमारा सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन जाए। और अंतिम जीवन में ये बताया भारतीयों का या अखिल मानव जाति के बारे में शफी साहब ने बताया है, सभी में लिखा हुआ है एकम सत्य विप्रा बोधा वदंती रबुल अलमीन, खुदा सबका है, किसी एक का नहीं है, परमात्मा सबका है, परमात्मा एक ही है। ऋग्वेद में कहा है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य है, ट्रुथ इज वन, अलग अलग नहीं है। नाम अलग अलग हो गए, कोई तरबूजा कहता है, कोई वाटरमेलन कहता है, मराठी में उसको और कुछ कहते हैं, ये नाम अलग है लेकिन सच्चाई एक ही है। आज का बहुत बोलने के लिए तो बहुत मेरे पास विषय है, लेकिन आप सुबह से बैठे हुए इसके बारे में मुझे सोचना पड़ रहा है, दोपहर का समय हो चुका है इसलिए। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शफी साहब को कि आप जो कार्य कर रहे हैं ये मनुष्य जाति के उत्थान के लिए है, केवल किसी व्यक्ति नहीं, केवल किसी स्कूल का नहीं, ये अखिल मानव जाति के कल्याण का, उनके उत्थान का कार्य है। और ऐसा कार्य करने के लिए आपको भगवान शक्ति दे, आरोग्य दे और उम्र दे, और ये कार्य संपन्न होता रहे।